देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं घर में मोदक, हेल्दी और शुगर फ्री। देखिए कितने अच्छे बने हैं, तो इनको बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आप भी बनाते हैं इस तरह के मोदक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी शुगर फ्री मोदक। आज आपकी और मेरी किचन में जो भी मोदक बनने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग से मोदक बनेंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। गणपति बप्पा आ रहे हैं 2 दिन में ही, तो हम उनके आने की तैयारी करते हैं। ये मैंने कुछ, ये अंजीर हैं, इनको मैंने रात भर भिगो दिया और इन्हें मैं ऐसे काट लूँगी। अच्छे से धो के भिगोएं, क्योंकि ये गंदे होते हैं बहुत, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन्हें अच्छे से धो के भिगोएं। और इस तरह से मैं इन्हें काट लूँगी और इनका पानी भी वेस्ट नहीं होने दूंगी, क्योंकि इनका इसका हम पेस्ट बनाएंगे, उसमें हमें पानी या दूध डालना पड़ेगा, तो हम इसी पानी को डालेंगे। और इस मोदक में हम ना चीनी डालेंगे, ना मावा डालेंगे, ना मिल्क पाउडर डालेंगे, केवल हेल्दी चीज़ों से ही हम मोदक बनाएंगे। ये हैं खजूर, ये देखिए, इनमें से हम सीड निकाल देंगे इस तरह से। अगर आपके पास सीडलेस हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप इस तरह से इनके सीड्स निकाल लीजिए। भीगने से होता क्या है, हमें पीसने में थोड़ी आसानी रहती है, हमारे अच्छे से पीस जाते हैं। इस तरह से मैं सारे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारे काट लिए और इसके सीड्स निकाल लिए खजूर के। अब हम इनको मिक्सी के जग में डाल के पीस लेंगे और ये पानी भी सारा इसी में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसने के लिए पानी या दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और मीठा, ये भीगने से जो जिस पानी में भीगे हैं सारी मिठास इसमें आ गई है इन फलों की, तो इसलिए इसी पानी को डाल के हम ये पीस लेंगे। ये पैन में मैंने 1 चम्मच पॉपी सीड्स डाले, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है हमें। कोई भी ड्राई फ्रूट भूने तो उसे स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करें, ये बहुत हेल्दी होते हैं, हमें बच्चों को बड़ों को ये ज़रूर खिलाने चाहिए, इससे हमारे मोदक का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। खुशबू आने लगी है, ये रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये मैं पॉपीस इसको ठंडा होने देती हूँ। मैं इसी पैन में थोड़ा सा घी डालूँगी और ये कुछ काजू हैं, इनको मैं इनमें तल लूँगी। काजू बहुत जल्दी तले जाते हैं और ये मैंने टूटे काजू लिए हैं, हमें काटने पड़ेंगे इसलिए मैंने ये टूटे काजू, आप चाहें तो साबित भी ले सकते हैं। काजू बहुत जल्दी से तले जाते हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इनको। डालने को हम इन्हें कच्चा भी डाल सकते थे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को अगर हम तल के थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लें, तले नहीं, जैसे मैंने ये थोड़ा सा घी डाला, इसी में मैं और चीज़ें भी अपनी भून लूँगी। इस तरह से ड्राई रोस्ट ना करके थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और तल के तो घी भर ही जाता है। और ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें हमेशा लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करना होता है। काजू भुनने के बाद भी एक रंग आगे बढ़ता है, मतलब कि हमें जितने ब्राउन करने हैं उससे थोड़ा पहले निकाल लेने चाहिए, क्योंकि ये फिर से अपनी गर्मी से ही ब्राउन हो जाते हैं। और ये मोदक इतने हेल्दी हैं कि आप सर्दियों में भी इनको एनर्जी बार की तरह यूज़ कर सकते हैं। मोदक ना बनाएं, लड्डू बना लें, भगवान को तो आप किसी भी शेप में बना के दे दीजिए, उसी से खुश हो जाते हैं, बस अपने मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये देखिए, हमारे काजू भुन चुके हैं, अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। और तेल देखिए, इन्होंने बिल्कुल सारा छोड़ दिया, जो हमने घी डाला था वो इन्होंने सारा छोड़ दिया। थोड़े से घी में ही अच्छे से भुन जाते हैं और खुशबू आने लगती है। इसी घी में मैं ये पम्पकिन सीड्स हैं, इनको भून लूँगी। ये बहुत हेल्दी होते हैं पम्पकिन सीड्स भी, ऐसी चीज़ें हमें खानी और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। इन्हें भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। देखिए, थोड़े से घी में ही हमने काजू भून लिए, अब उसी में हम ये अपने पम्पकिन सीड्स भून लेंगे। सीड्स भुनने का आपको पता ही है कि जब बीज चटकने लगते हैं तो इसका मतलब हमारे बीज भुन गए। इतने हमारे पम्पकिन सीड्स भुन रहे हैं,
इतने ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और ये हैं छुहारे जिनको मैंने काट लिया है। अब इनको मिला के मैं मिक्सी के जग में डाल के पीस लूँगी। आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारे पंपकिन सीड्स भुनने लगे हैं, चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। इनको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारे पंपकिन सीड्स भुन चुके हैं, इन्हें भी मैं अब बॉल में निकाल लूँगी। देख कलर भी चेंज हो गया थोड़ा सा और चटक रहे हैं, आवाज़ आपको अब भी आ रही होगी, हल्के हल्के अब भी चटक रहे हैं जबकि मैंने फ्लेम से उतार दिया है। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से पिस गए हैं ये। ये देखिए अगर हम पानी ना डालते वो वाला तो हमें थोड़ा मीठा डालने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब हमने वो पानी फेंका नहीं, अच्छे से धो के भिगोए थे और सारी मिठास इसकी खजूर की और अंजीर की इसमें आ गई थी। अब मैं इसको एक पैन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे हम भूनेंगे। भूनना हमें इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है, पानी कच्चा रहेगा तो हमारी मोदक की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, इसलिए अब मैं इसको भूनती हूँ। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है, ये केवल हमने भिगोए हैं इसलिए, अगर हम इनको सूखा ही पीसते तो इतना अच्छे से पेस्ट बनता भी नहीं और मिक्सी का जग ब्लेड्स भी निकल जाते हैं। जैसे हम कभी छुहारे पीसते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है, अगर हम छुहारों को भी हल्का सा रोस्ट करें ना करें और पीस लें इसी तरह से, ये भी जग में चिपक जाती हैं। इसमें हम ना मावा डालेंगे ना चीनी डालेंगे, ऐसे ही हम अपने मोदक बनाएंगे हेल्दी बिल्कुल। एक तरह से ये एनर्जी बार भी बन जाएगा, शुगर फ्री मिठाई भी बन जाएगी। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, मोदक बनाएं, लड्डू बनाएं, कि ड्राई फ्रूट रोल बना लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी शेप दे सकते हैं। अब इसको मैं भून लूँगी और भूनते समय मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा घी, जिससे कि इसमें एक शाइन सी आ जाए अच्छी सी। और इसको हमें इतना भूनना है जैसे हम बर्फ़ी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मावे को भूनते हैं, सूजी को भूनते हैं, डो बिल्कुल पैन छोड़ दे, ऐसा डो हमने तैयार करना है। और लेकिन हम इसे हल्की आंच पे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और ये छुहारे और बादाम जो हमने पीसे थे ये हमने बिना भुने पीसे थे, इसलिए मैं इनको साथ में ही डाल दूँगी, जिससे कि हमारे ये भून भी जाएंगे और थोड़ा डो का मॉइस्चर भी अब्जॉर्ब करेंगे। ये देखिए हमारा भुनने लगा है और मैंने इसमें छुहारे और बादाम डाले हैं, आप चाहें तो मूंगफली भून के उन्हें भी पीस के डाल सकते हैं, ये पूरी तरह ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो बादाम छुहारे डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन शुगर फ्री बना रहे हैं तो अंजीर और खजूर दोनों चीज़ या एक चीज़ तो ज़रूर डालनी पड़ेगी। और हम इसमें मावा नहीं डाल रहे तो उसका टेस्ट देने के लिए, गाढ़ापन देने के लिए हमें इसमें बादाम काजू या मूंगफली को भून के हम वो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट, उससे भी आपका डो टाइट बन जाएगा। इसी तरह से आप उसको भी डाल के भून लीजिए इसमें। ये देखिए हमारा भुनने लगा है, काफ़ी गाढ़ा हो गया पहले से, ये देखिए बिल्कुल पैन छोड़ दे, हमें इतना भुनना है। जो हमने पॉपी सीड्स तले थे वो डाल दूँगी थोड़े से, और थोड़े से बचा लूँगी, ये बहुत हेल्दी होते हैं, आप इसमें सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं। सॉरी मैं आपको पम्पकिन सीड्स को पॉपी सीड्स बता गई, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, भूल जाती हूँ, ये पम्पकिन सीड्स हैं, आपड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए बचा लिए, हम अपनी डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और ये काजू जो हमने तले थे थोड़े से ये भी डाल देती हूँ और इन्हें बिल्कुल डो के फॉर्म में ले आएंगे। काजू और पम्पकिन सीड्स तो हम बेशक बाद में भी डाल सकते थे क्योंकि हमने इन्हें पहले तल लिया, इन्हें भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा, मिठास अंदर तक चली जाएगी, इसलिए मैंने इसलिए डाल दिए।
अब हम इसे भून लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूंगी, घी से शाइन भी आएगी और हमारा डो भूनने में आसानी भी होगी। ड्राई फ्रूट्स का अपना घी बहुत होता है, तेल इनमें बहुत होता है अच्छे ड्राई फ्रूट्स हों तो। देखिए ये हमारा बिल्कुल डो जैसा हो गया, तो दिख रहा होगा कहीं भी नहीं लग रहा, चारों तरफ से इकट्ठा हो जाता है, जैसे हम आटा मलते हैं वो इकट्ठा हो जाता है, इसी तरह से हमारा ये डो बन गया बिल्कुल। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे अपने मोदक बनाएंगे। आप इसको बर्फ़ी की तरह भी जमा सकते हैं, छोटे छोटे पीस कट कीजिए जैसे बाज़ार में मिलती है, कुछ भी बनाएं, आपका बेस तैयार है। और इसके लिए हमारा टेस्टिंग करने के लिए थोड़ा सा लीजिए और देखिए, अगर हाथ पर नहीं चिपक रहा तो हमारा तैयार है, और अगर चिपक रहा है तो थोड़ा सा और भून लीजिए। बस मुझे हल्की सी कमी लगी इसलिए मैं थोड़ा सा और चला रही हूँ, वैसे ये ठंडा होके और हो जाएगा टाइट। देखिए अभी कितना टाइट है, अब मेरे को थोड़ा दबाने में जोर लगाना पड़ रहा है। चलिए अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और फिर मिलते हैं ठंडा होने पे। देखिए हमारा डो ठंडा हो गया, चलिए अब इससे मोदक बनाते हैं। ये जो हमने काजू और बीज थोड़े से बचाए थे डेकोरेशन के लिए, ये देखिए इस तरह से लगा दिए और डो रख के हम मोदक बनाएंगे। देखिए हमारा मोदक कितना सुंदर, कितना बढ़िया तैयार हुआ है, ये देखिए निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप ये हरे बीज ना हो आपके पास पम्पकिन तो आप पिस्ता भी लगा सकते हैं ग्रीन कलर के, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। एक साइड से काजू हैं और एक साइड से, ऐसे मैं सारे बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो पॉपी सीड्स हैं जिनको मैं पम्पकिन को पॉपी कह रही थी वो मैंने इसलिए निकाले थे। ये मैंने, हम ये मोदक को इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा मोदक, और हेल्दी भी और ज़्यादा हो गया। पॉपी सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं। इस तरह से आप इसको अच्छे से कोट करना चाहें अच्छे से कीजिए। ये देखिए हमारे सारे मोदक बनके तैयार हैं, कितने सुंदर और कितने बढ़िया बने हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।